नेचर ऑफ एटीट्यूड या करेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या है एटीट्यूड का या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एटीट्यूड के? एटीट्यूड आर नॉट इननेट, मतलब हम इसके साथ पैदा नहीं हुए, ये लर्न बाय इंडिविजुअल्स, यहाँ आने के बाद हम सीखते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो एटीट्यूड इनबोर्न नहीं होता, ये लर्न किया जाता, सीखा जाता है। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आर मोर लाइकली टू गाइड बिहेवियर कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, जिस अगर हमारा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बन गया है तो उस तरह का हमारा बिहेवियर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, उसी तरह से हमारा बिहेवियर होगा। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं एटीट्यूड और किसी चीज़ को लेकर हम नेगेटिव एटीट्यूड भी रख सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो ये दोनों ही हो सकता है। ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस होल्ड एटीट्यूड, सबके पास चाहे स्टेटस उसका बहुत गरीब हो या बहुत अमीर हो, सबका अपना एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम बट कैन चेंज थ्रू एक्सपीरियंस, जो हमारा एटीट्यूड है अगर हमें कुछ नई चीज़ें पता लगे, हमने कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस की पर्सुएशन या सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू, हमारा एटीट्यूड पे चेंजेस आ सकते हैं। मतलब जितनी हमारी नॉलेज होगी उतना हमारा एटीट्यूड होगा। अगर हमारी नॉलेज उस चीज़ को लेकर बढ़ जाए या हमें जब कुछ ज़्यादा चीज़ें पता लगे जिसके बारे में हमारा एटीट्यूड बुरा था, तो वो चेंज हो सकता है, अच्छा तो था तो बुरा हो सकता है। मतलब एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है बट उसके लिए आसान नहीं है। हम जो सोचते हैं समझते हैं उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, वो तभी होगा जब हमें लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं उसके अगेंस्ट। तो एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है, जिस तरह से हमारी नॉलेज बढ़ेगी एक्सपीरियंस बढ़ेंगे उस हिसाब से। एटीट्यूड कैन गाइड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर, एटीट्यूड ही हमारे बिहेवियर को गाइड भी करता है प्रिडिक्ट भी कर सकता है। मतलब जैसा हमारा एटीट्यूड ऐसा ही हमारा बिहेवियर होगा। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है पर्सनल प्रेफरेंस, कि हमारा पर्सनल प्रेफरेंस कैसा है, ओपिनियन कैसी है, एंड एक्सपीरियंस रेदर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता एटीट्यूड, एटीट्यूड डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस किस चीज़ों को लेकर कैसा है, उसी से ही हमारा एटीट्यूड बनता है उस पर्सन या उस चीज़ के लिए बारे में। एटीट्यूड कुछ नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। तो एटीट्यूड कोई चीज़ तो नहीं है, ये एक बिहेवियर का एक तरीका है जो बहुत सारी वजह से बना है। तो हमने यहीं इसी दुनिया में आके सीखा है, लेके तो नहीं आए थे, तो दुनिया ने जो हमें सिखाया उस तरह से हमने बिहेव करना सीख लिया। तो जिस तरह से बिहेव करना सीख लिया वो हमारा एटीट्यूड है या स्टेट ऑफ माइंड है। और ये एटीट्यूड अगर हमने सोसाइटी चेंज किया, कुछ ऐसा चेंज किया, बड़े ड्रास्टिक चेंज आए, चेंजेज आए, तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमेशा रहने वाला नहीं है, पर होता सभी में है।